क्या करूं मैं, पहले उंगलियां गरम थी, अब तो पूरा हाथ ही गरम हो रहा है। विवान, गरम गरम समोसे खाएगा? यहाँ मैं खुद ही समोसे के आलू जैसे उबल गया हूँ, और दीदी गर्मा गर्म समोसे की बात कर रही है। नहीं दीदी, कुछ भी गर्म खाने का मन नहीं हो रहा। ठीक है, पर फिर ये मत कहना कि मैं तुमसे पूछा नहीं। ठीक है। वो देखो भैया, विवान इधर ही आ रहा है, आपको कल के थप्पड़ का बदला लेना है, पता है ना? हाँ चिंटी, कल उसे किक मारी थी ना, आज उसे लंगड़ी मारूंगा। चल 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 चल। आ। ओके, तो कुछ गिर गई। आ। दीदी। दीदी, नहीं। कैसे भाई हो? उठने में हेल्प ही नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे हाथ धर्म धर्म से बंधे हुए हैं ना। मम्मी ने कहा था कि इंसान को गिर कर खुद ही उठ जाना चाहिए, लेकिन आपको गिराया किसने? पता नहीं। अच्छा, तो इनकी बदमाशी है ये। अब इनको पता चलेगा कि बदमाशी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तेरे बैग में आग लगी है। भैया आपके भी। आ, 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 हमें कोई बचाओ। आ, आ, आ। बस अब कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल ना पूछ ले। टीचर, प्लीज हमें बचाओ। मैच टीचर, प्लीज हमारी आग बुझा दीजिए। अरे अरे पता, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा घूमो। मैम, अब जाके ठंडक मिली। आपके हाथ में एसी है क्या? विवान भैया, अब तो विवान की एसी की तेजी होगी। क्या हुआ पानी परी, हमें यहाँ क्यों बुलाया? ज्वाला परी, तुमने जो विवान को अग्नि शक्ति दी है, उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। अग्नि शक्ति? पर मैंने तो कोई अग्नि शक्ति नहीं दी है इसे। हाँ। क्या तुमने विवान को कोई अग्नि शक्ति नहीं दी? तो फिर इसने चिंटू और चिंटी के कपड़े और बैग कैसे जला दिए? क्या विवान, क्या चक्कर है? वो बात ये दरअसल मक्ती परी, कि मैंने बुद्धि पर जादू का गलत इस्तेमाल कर दिया, उसी की सजा मिल रही है मुझे। मेरे दोनों के दोनों आग की भट्टी बन चुके हैं। इधर आ। तुम्हारा शरीर तो आग की तरह गर्म हो चुका है। मुझे भी अंदर से ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं तवे पे फ्राई हो रहा हूँ। प्लीज मुझे जल्द से जल्द पार्टनर के पास ले चलो, ताकि मैं उनको सॉरी बोल के मेरी सजा खत्म करवा सकूं। प्लीज क्या हुआ? सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, तो मैं कान पकड़ कर उठक बैठक भी कर लूंगा, और अगर पार्टनर ने फिर भी माफ नहीं किया तो मैं मुर्गा भी बन जाऊंगा और बांध भी दे दूंगा। कुकड़ू कुक ऐसे। प्लीज विवान के माथे पर ये अजीब सा सूरज जैसा निशान कहाँ से आया? पता नहीं मस्ती परी, लेकिन मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे फौरन जाकर बालवीर और शौर्य को इस निशान के बारे में बताना होगा। विवान के माथे पर सूर्य का निशान? हाँ, और विवान का शरीर भी एकदम तेजी से गर्म होते जा रहा है। उसे लगता है कि उसने बुद्धिपाश जादू का गलत इस्तेमाल कर दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि बात कुछ और ही है। शौर्य, कहीं ये तिम्नासा की चाल तो नहीं? नहीं बालवीर, तिम्नासा जो परम अस्त्र बना रही है
उसकी शक्ति सूरज से नहीं आ रही। तो फिर कौन कर रहा है ये सब? और विवान के माथे पर सूर्य का निशान क्यों है? मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ बालवीर, तब तक तुम पृथ्वी पर जाकर देखो, वहां पूरी शक्तियों की कोई हलचल तो नहीं हो रही है। ठीक है शायद। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए और ये देखिए, ये क्या है आप लोग जानते हैं? ये तो जले हुए बैग्स हैं। ये कोई ऐसे वैसे बैग नहीं थे, इटली से मंगाए हुए $100 के बैग थे। $100? लेकिन इटली में तो यूरो चलते हैं ना? बात को घुमाइए नहीं, असल समस्या पर ध्यान दीजिए। विवान स्कूल में माचिस लेकर के आता है, आज बैग जलाए हैं, कल को कुछ और जलाएगा तो क्या? विवान सच बताओ, तुम स्कूल में माचिस लेकर आए थे? नहीं नहीं मैम, मैं माचिस लेकर नहीं आया था। आप चाहे तो मैथ्स टीचर से पूछ लीजिए ना। टीचर से क्या पूछवा रहे हो? ये लोग विद्या पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम स्कूल में माचिस लेकर के नहीं आए थे। माचिस तो नहीं लाया था, लेकिन बुक पर हाथ रखा तो आग लग जाएगी। क्या सोच रहे हो? रखो हाथ, खाओ कसम। नहीं 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 प्लीज नहीं। देख लिया आप लोगों ने, इसी ने बैग जलाया है, मेरे बच्चों का इटली वाला बैग। मैं चाहता हूं कि इसे आज के आज ही स्कूल से सस्पेंड किया जाए। नहीं नहीं मिश्रा अंकल प्लीज, मुझे सस्पेंड मत करवाइए प्लीज। एक मिनट। देखिए मिश्रा जी, चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों के लिए इंपोर्टेड नए बैग और स्कूल के नए कपड़े ये लीजिए। तो अब नुकसान की भरपाई हो गई, अब विवान को आप सस्पेंड मत कराइए। हाँ हाँ मिश्रा जी, विवान आप ही के तो पड़ोस का लड़का है ना, उसे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। देव ये तो हुई इसकी भरपाई, मगर जो विवान ने गलती की है उसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी, स्कूल के 20 चक्कर दौड़ कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है। पूरे 20 चक्कर लगवाइएगा इससे। बस पार्टनर, अब और नहीं होगा। विवान एक्टिंग मत करो, सेफ ही राउंड तो बकवाया तुमसे, और वो भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अरे एक्टिंग ही नहीं कर रहा हूँ, और अब तो लोग भी चले गए हैं ना, प्लीज माफ कर दो मुझे। पहले तो सिर्फ हाथ चल रहे थे, अब तो बुरी की बुरी बॉडी चल रही है मेरी। हाँ पार्टनर, अब तो बुद्धि पाश जादू का गलत इस्तेमाल करने की सजा पूरी तरह से माफ कर दो रे प्लीज। विवान, क्या तुम पिछले 2-3 दिनों में किसी से मिले थे, या फिर किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया हो पिलाया हो? ये कोई साधारण जल नहीं है बच्चा, इसके असर से तुम पृथ्वी पे सूरज की तरह चमकोगे। अलाख निरंजन, वो 3 साधु मिले थे मुझे, उनसे बस मैंने आशीर्वाद लिया था, वो एक कमंडल में हाथ डालकर। कहीं वो 3 साधु काल लोग से तो नहीं आए थे? हो सकता है पानीपत, लेकिन हमें विवान को पता नहीं चलने देना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएगा। क्या हुआ पार्टनर, साधुओं के नाम सुन के आप लोग सन्नाटे में क्यों चले गए? क्या कर दिया उन जादुओं ने मेरे साथ? कुछ नहीं हुआ विवान, उन्होंने अगर तुम्हारे साथ कुछ भी किया होगा तो चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो ठीक कर दो ना मुझे प्लीज, गर्मी के मारे गला सूख रहा है मेरा। हाँ यहाँ पर नहीं विवान, हमें तुम्हारे घर पर जाना होगा। पानी परी, मैं विवान को लेकर घर जा रहा हूँ, तब तक आप यहाँ से विवान के हाफ डे के लिए लेकर घर पर आइए। ठीक है।
और सब लोग आपको काना भैमार बोलने लगेंगे। ऐसा मैं नहीं, लोग बोलने लगेंगे। पृथ्वी पर सूरज की स्थिति देख रहा था मैं। विवान के शहर में दोपहर का समय खत्म हो चुका है। धीरे धीरे सूरज नीचे आएगा और जैसे ही सूर्यास्त होगा, विवान के साथ साथ ये पृथ्वी एक बड़े धमाके में फट जाएगी। एक ऐसी छोटी सी दूरबीन मुझे भी दीजिए ना भैरा जी, ताकि मैं बालू पल्लू को रोता हुआ देख सकूं जब आपकी धमाकेदार चाल कामयाब हो जाएगी। पार्टनर बहुत गर्मी लग रही है यार, कुछ करो ना प्लीज। परियो, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक साथ विमान पर करना होगा। पार्टनर की पूरी पार्टनर ने एक साथ ताकत लगाई है, अब तक तो मेरा इलाज हो गया होगा। ट्राई करता हूं। पार्टनर भी रात को आर्मी के लिए मुंगिया। परियो, ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, मुझे शौर्य से सलाह लेनी पड़ेगी। हेलो पार्टनर, मुझे ट्रीटमेंट की बदले सारे ट्रीटमेंट की मिल रही है। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? फिकर मत करो विवान, किसी भी इलाज का असर होने में थोड़ा समय तो लगता है, इंतजार करो। टाइम लगेगा, लेकिन मम्मी ने तो 5 बजे तक घर पर दिखूंगा। अगर सूर्य ग्रहण से पहले वापस नहीं लौटूंगा तो मम्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं विवान, तुम घर जा सकते हो, लेकिन घर जाकर किसी भी चीज को छूना मत। ओके वाटर, पानी भरी, तब तक आप मेरे साथ चलिए ना। जब तक पार्टनर के जादू का असर नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ चलकर मेरे हाथों पर ठंडा पानी छिड़कते रहना प्लीज। चलो परियो, मैं शौर्य से मिलकर पता लगा था कि आखिर विवान पर किसने कौन सा जादू किया है। तब तक आप विवान का ख्याल रखिए, मैं जल्दी ही आऊंगा। विवान के शरीर की गर्मी सूरज के चढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, इसका मतलब किसी ने उसके शरीर में सूरज का अंश डाल दिया है। लेकिन किसने? यह काम तिम्नासा का हो नहीं सकता, क्योंकि वो परम अस्त्र तैयार करने में व्यस्त है, लेकिन यह जरूर काल लोक के किसी दूसरे प्राणी का किया हुआ काम है। शौर्य, धरती लोक पर पानी परी विवान पर ठंडे पानी की बौछार तो कर रही है, लेकिन उससे विवान को ज्यादा देर तक आराम नहीं मिल सकता। उसे पूरी तरह से ठीक कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब तो तुम्हें काललोक में ही मिलेगा बालवीर। ठीक है शौर्य, अब तो मैं इसका हल ढूंढ कर ही लौटूंगा। बहरानी, उंगली की कसम, एक बात कहूं, मुझे ना उस बैमार की चाल पर बिल्कुल वो नहीं है भरोसा। उसका तो वही हाल है, छोटा मुंह और बड़ी बात। बैमार की चाल कामयाब हो ना हो जबदानी, लेकिन तिम्नासा का ये वार खाली नहीं जाएगा।
आज पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा मैं वीर लोक के चिथड़े उड़ा दूंगी। बालवीर! यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा है कि महाराजा इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे, लेकिन एक ही चाल में छह और मात देने वाले हैं तुमको। क्या करने वाले हो तुम विमान के साथ? सूरज डूबने दो, पता चल जाएगा। भाई मार, सीधा सीधा बता दे वरना। देखो मैं बहुत डर गया। देखो मैं थर-थर कांप रहा हूं तुम्हारी धमकी से। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो कोई धमकी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम थर-थर कांपोगे। बताइए ना महाराजा, क्या सूरज में कितनी गर्मी है जानते हो बालवीर? मैंने सूरज का एक अंश विवान के शरीर में डाल दिया है और शाम को जैसे ही सूरज ढलेगा विवान का शरीर फटेगा और भाप बन के उड़ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, पृथ्वी भी भाप बनकर उड़ जाएगी। खौफ के मारे चिल्लाने का मन हो रहा है? विमान को कुछ नहीं होने दूंगा। विमान को तो तुम नहीं बचा पाओगे बालवी। उंगली नीचे। हाँ लेकिन तुम अपनी पृथ्वी को जरूर बचा सकते हो अगर तुम विवान को खुद अपने हाथों से मारो सूरज ढलने से पहले। क्या सोच रहे हो बालवीर? जो भी सोचना है जल्दी सोच लो, सूरज डूबने वाला है और सूरज डूबने के बाद भैरानी के परम अस्त्र से वीर लोग भी बढ़ जाएगा। तुम्हें वो भी तो होने से रोकना है ना। कैसा किया मेरा जान? ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया इन्होंने मुझे। एक तरफ वीर लोग हैं और दूसरी तरफ विवान और पृथ्वी। इन सबको एक साथ इतने कम समय में कैसे बचाऊंगा मैं? टाइम लगेगा लेकिन मम्मी ने तो 5 बजे तक घर पर देखूंगा। अगर सूर्य ग्रहण से पहले वापस नहीं लौटूंगा तो मम्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्या हुआ, कड़ी चुनौती आई तो पीठ दिखाकर भाग रहे हो? अरे भागेगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा। आपने इसे भंवर में डाल दिया उसे कि मति भ्रष्ट हो गई इसकी। लट्टू की तरह चक्रम हो गया इसका दिमाग। तुम सिर्फ नाम के बालवीर हो या थोड़ी बहुत वीरता भी है तुम्हारे अंदर? बोलो किसे बचाओगे, विवान को या अपनी पृथ्वी को, या ऐसे ही पीठ दिखाकर भाग जाओगे? पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं मैं। मैंने फैसला कर लिया है, अगर पृथ्वी को बचाने के लिए मुझे विवान को मारना पड़े तो मैं तैयार हूं। थोड़ी देर पहले आप जीत रहे थे लेकिन अब आप जीत गए हैं, समझ लीजिए। ये सही कह रहा है, तुमने मुझे हर तरफ से मजबूर कर दिया है लेकिन विवान को मारने में एक समस्या है। कैसी समस्या? मैं बालवीर, मेरी शक्तियां केवल बुराई का नाश कर सकती है
वीर लोग का कोई भी हथियार विवान को नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हें मुझे काल लोग का हथियार देना होगा। राजा मान जाइए ना, मिल जाएगा हथियार, लेकिन वो हथियार इतना ताकतवर होना चाहिए जिसे मैं काल कुंभ ग्रह से चलाऊं तो वो पृथ्वी तक पहुंच जाए। काल कुंभ ग्रह वो तो बहुत दूर है, वहां से तुम क्यों हमला करोगे? क्योंकि अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो परियों को मुझ पर संदेह हो सकता है और शौर्य मेरी ऊर्जा से पता लगा सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। और वैसे भी विवान को मारने के बाद मेरी शक्तियां छीन ली जाएगी, मुझे वीर लोक से निकाल दिया जाएगा, तब कम से कम काल कुंभ ग्रह में रहकर मैं पश्चाताप तो कर पाऊंगा। राजा क्या सोच रहे हो? कर लीजिए, मान लीजिए, मान जाइए। भयमार वार तो होगा पर विवान पर नहीं, काल लोक पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।